है गाइस, वेलकम बैक। मैं वीरू जाखड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिनिशर्स पे। और पाइथन की जो लेक्चर सीरीज चल रही थी उसमें हम पाइथन के डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे। उन्हीं डेटा टाइप्स को आगे करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है डेटा टाइप का, वो है रेंज डेटा टाइप का टॉपिक। ये है रेंज डेटा टाइप। इस रेंज डेटा टाइप से ही HSSC कॉन्स्टेबल मेल और फीमेल दोनों में क्वेश्चन आए थे। जो प्रोग्राम के क्वेश्चन आए थे वो इसी रेंज डेटा टाइप से आए हुए थे। तो बेसिकली रेंज का मतलब क्या है, हम अगर प्रोग्रामिंग की बात करें या पाइथन लैंग्वेज की हेल्प से जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो रेंज, आपको पता है रेंज क्या होती है। मान लीजिए यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे कोई और बंदा है, ये दोनों के बीच की क्या है हमारी, ये हमारे बीच दोनों के बीच की क्या है, रेंज है। मान लीजिए 100 किलोमीटर की हमारे बीच में क्या हो गई, एक रेंज हो गई, एक दूरी हो गई। तो उसी दूरी के हिसाब से ही ये रेंज का डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट होता है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए रेंज कोई आर, हमने कोई रेंज मान ली इज इक्वल टू, हमें 10 के इक्वल दी हुई है। ऐसा अगर आपको कहीं भी लिखा दिखे कि आर इज इक्वल टू 10, इस 10 का मतलब ये है कि इस R की जो रेंज है ना वो टोटल 10 है रेंज। लेकिन वो टोटल 10 कैसे है, 0 से स्टार्ट होके और 9 तक जाती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जब इन सब को जोड़ोगे तो टोटल कितने करेक्टर बनते हैं, 10 करेक्टर बनते हैं। तो R की वैल्यू अगर 10 दी हुई है तो उसका मतलब है 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 वैल्यू है। इस R की जो रेंज है वो 10 है। क्लियर है ये बात। अगर मान लो आपको ऐसा दिया है, कोई R इज इक्वल टू आपको दिया है 1,10, तो ये क्या है, ये है बिगनिंग, यानी कि यहां से क्या हुआ है, यहां से हमारी रेंज शुरू हुई है। ये क्या है, एंड है। यहां पे क्या है, आपकी जो रेंज है वो खत्म हो रही है। R इज इक्वल टू 1,10, दो वैल्यू दी हूं आपको, तो आपको ये समझना है कि ये जो है स्टार्टिंग है, ये जो है अंत है, एक से लेके 10 तक रेंज है। लेकिन हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो लास्ट वाली जो वैल्यू है, खत्म वाली वैल्यू, हमेशा -1, इससे एक कम पे हमें रुकना होता है। अगर R इज इक्वल टू 1,10 दिया हुआ है और अब आप प्रिंट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये आएगा आंसर। ये 10 जो होगा वो काउंट नहीं होगा, -1 होता है हमेशा ही, हमेशा रेंज में। क्यों, 1 से लेके 10 तक की रेंज है, उसमें 10 काउंट नहीं होता। ये रूल है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये तो हो गई जब दो वैल्यू दी हूं आपके पास। अब मान लीजिए आपके पास दिया हो 3 वैल्यू, R इज इक्वल टू 1,10,1 दिया हो, मान लो ऐसा लिखा हुआ है। ये मैंने बताया क्या होता है, ये होती है स्टार्टिंग, ये क्या होता है, ये एंड होता है। और ये जो तीसरे नंबर पे चीज लिखी जाती है, या तो होता है इंक्रीमेंट या क्या होता है डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है प्लस हो रहा है, डिक्रीमेंट का मतलब होता है माइनस हो रहा है, सिंपल सा बात है। अब क्या करना है, 1,10,1 दिया हुआ है, तो 1 क्या है, ये पॉजिटिव का 1 है, यानी कि प्लस का 1 है, यानी कि 1 से लेके 10 तक जाना है, 1 के गैप के पे जाना है, ये मतलब होता है, ठीक है। तो आंसर जब इसको प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, 1,2,3,4,5,6,7,8,9। 10 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जो एंड होता है वो हमेशा -1 करके लिया जाता है, जो फाइनल वैल्यू होती है वो काउंट नहीं होती है। इसी में अगर दूसरा एग्जांपल ले, मान लीजिए आपको दिया हुआ है R इज इक्वल टू 1,20,5 दिया हुआ है। अब आपसे आंसर पूछेंगे तो कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, या तो आपसे पूछ सकता है टोटल वैल्यूज कितनी आएंगी, टोटल वैल्यूज, या पूछेगा वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी आंसर में। तो टोटल और वैल्यूज दोनों देखते हैं, स्टार्टिंग 1 से करेंगे, खत्म 20 पे करेंगे, और गैप कितने का होगा, आपकी बार गैप होगा 5 का। तो 1 आएगा, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 5 आगे चला गया नहीं आएगा, तो 16 पे ही आके आपको रुक जाना है। अब जो 17, 18, 19, 20 और 21 हैं, तो टोटल 5 वैल्यूज, लेकिन क्या 21 पे तो जा ही नहीं सकते और लास्ट वैल्यू को वैसे नहीं ले सकते, तो यहाँ पे कितनी बच गई, ये 3 बच गई, इन तीनों को नहीं लेंगे।
वैल्यूज पूछे कौन कौन सी आएंगी, तो 1, 6, 11 और 16 सबके बीच में 5-5 का गैप है, और पूछे टोटल वैल्यूज आंसर में, तो टोटल वैल्यूज कितनी हो गई, टोटल वैल्यूज हो गई 4। ऐसे आपको रेंज डेटा टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको सोल्व करना है। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे पूछ सकता है, ये तो हो गया प्लस इंक्रीमेंट का। मान लीजिए आर इज इक्वल टू आपको 20, 1, -5 दिया हुआ है। अब आपको पता है शुरुआत 20 से खत्म 1 पे, -5 डिक्रीमेंट में चल रहा है, डिक्रीमेंट का मतलब माइनस हो रहा है, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी 20 -5 क्या होगा 15 -5 क्या होगा 10 -5 क्या होगा 5। अब 5 -5 हो जाएगा 0, लेकिन 0 तो ले ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 1 से भी छोटा हो गया, और 1 भी हमें नहीं लेना होता, ये लास्ट वाली जो वैल्यू होती है ये हमें -1 करके लेनी होती है, लेकिन 5 -5 क्या करेंगे तो आ जाएगा 0, लेकिन 0 पे नहीं, हमें 1 पे ही रुकना है, 0 पे नहीं जाना। तो वैल्यूज पूछे तो 20, 15, 10, 5 टोटल वैल्यूज पूछे तो कितनी होगी 4। ऐसे आपको रेंज डेटा टाइप का ध्यान रखना है कि 3 आएंगी तो लास्ट वाला होता है, वो दोनों के स्टार्टिंग की दोनों वैल्यूज के बीच में गैप होता है, 2 आएंगी तो 2 का मतलब है यहां से लेके यहां तक जाना है, लेकिन लास्ट वाली जो वैल्यू उससे हमेशा 1 माइनस में ही लेना है आपको। अब जैसे जो क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से आया था, उसने दिया था a इज इक्वल टू 5 दिया था, सॉरी उसने दिया था a कोई उसने रेंज मानी हुई थी, a उसने दिया हुआ था 1, 20, 3 दिया हुआ था, और यहां पे फिर उसने क्या किया था, यहां पे उसने सीधा प्रिंट करवा दिया था। तो अभी मैंने आपको बताया लास्ट वाली वैल्यू जो होती है उससे तो -1 लेते हैं, ये जो होता है क्या होता है, गैप होता है, तो 1 से लेके 20 तक जब जाएंगे तो 1 आएगी, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19। अब 19 और 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा, लेकिन इससे तो हमें कम पे ही रहना है, और देखिए 1 कम पे भी हम रुक गए हैं, ये हो जाएगा आंसर। अगर ऐसे आंसर ऑप्शन में अगर ऐसे दिया है तो ये आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में दिया होता 3, 3, 6 और 1, 7 दिया होता तो 7 हो जाता, क्यों, क्योंकि टोटल वैल्यूज कितनी आई हैं हमारे पास 7 आई है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट होते हैं रेंज डेटा टाइप के, या तो रेंज के बराबर में ब्रैकेट में 1 संख्या दे देगा, तो आपको पता है कि अगर r इज इक्वल टू 5 दे दिया तो टोटल रेंज जो है वो 5 है, यानी कि 5 से कम तक ही जाना है, 0 से लेके 4 तक जाओगे, अगर 1 5 5 लगा दिया तो। दो वैल्यू r के बराबर ब्रैकेट में दी है, 1, 10 दी है, तो आप 1 से लेके 10 तक जाओगे, लेकिन 10 को काउंट नहीं करोगे, -1 करके 9 तक जाओगे, 1 से लेके 9 तक। तीन वैल्यूज दी हैं तो ये क्या है, लास्ट वाला, ये तो इंक्रीमेंट होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव दिया होगा, ये नेगेटिव दिया है तो स्टार्टिंग वाला बड़ी वैल्यू दी होगी, बीच में छोटी वैल्यू दी होगी, क्योंकि माइनस का मतलब है कि आप घटाते हुए चल रहे हो, डिक्रीमेंट ऑर्डर में चल रहे हो, तो डिक्रीमेंट ऑर्डर में जब करोगे तो भी माइनस माइनस करते हुए लास्ट वैल्यू को तब भी नहीं लोगे, इंक्रीमेंट में अभी आपको बता ही दिया है। ऑप्शन मिलेंगे आपको, या तो ऐसा ऑप्शन मिलेगा चारों में से, या ऐसा ऑप्शन मिलेगा चारों में से, वो आपको देखना है कि आपने यहां से काउंट करके फिर वो आंसर करना है कितनी वैल्यूज आती है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था आपका किसका, रेंज डेटा टाइप का, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट हमारे पाइथन में ऑपरेटर्स की बात आती है। देखिए पाइथन के ऑपरेटर्स की बात आती है, ऑपरेटर्स सिंपल से होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर मान लीजिए आप, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये साइन होता है एक, ठीक है। अब प्लस का मतलब तो क्या है कि आप दो चीजों को प्लस करोगे, a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 10 है, और a प्लस b है तो मतलब क्या हो गया 15 हो गया। वही माइनस है, b इज इक्वल टू 10 है, a इज इक्वल टू 10 है, b इज इक्वल टू 5 है, और a माइनस b है तो 10 माइनस 5 क्या हो गया 5 हो गया। मल्टीप्लीकेशन है, a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 10 है, तो a मल्टीप्लीकेशन b क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये जो दो चीजें हैं ना इनका आपको ध्यान करना है, इसको डिवीजन का साइन ही बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं मोडुला, परसेंटाइल या मोडुला दोनों चीजें बोल सकते हो, बिल्कुल ही प्रॉपर पाइथन की लैंग्वेज में बोले तो मोडुला बोला जाता है। होता क्या है, अब मान लीजिए a इज इक्वल टू दिया है आपको 10
और b इज इक्वल टू दिया है आपको 5, यहां भी a इज इक्वल टू दिया है 10 और यहां भी b इज इक्वल टू दिया है 5, लेकिन यहां पे दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है, यहां पे दोनों के बीच में परसेंटाइल का साइन है। ध्यान रखने की बात क्या है, जब डिवीजन सोल्व करोगे आप तो 10 बटे 5 करोगे तो 5 दूनी 10, रिमाइंडर कितना बचा 0, यहां 10 बटे 5 करोगे तो 5 दूनी 10 कितने पे गया 2 पे गया। जब आप ऑपरेटर में पाइथन लैंग्वेज में ऑपरेटर में डिवाइड कर रहे हो दो संख्याओं को तो आंसर जो आएगा वो आएगा कितना रिमाइंडर बचा, शेष कितना बचा। वहीं आप दो संख्याओं के बीच में मोडुला का परसेंटाइल का साइन लगा रहे हो तो भी आपको सबसे पहले दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद कोशेंट जो आता है यानी कि कितने पे गया, 20 और 4 की करेंगे तो 4 पंजे 20 होगा, जब 20 को 4 से भाग करेंगे तो कितने पे जाएगा 5 पे जाएगा, तो 5 आंसर होगा जब परसेंटाइल मोडुला का साइन होगा। 30 को जब आप 10 से भाग करोगे तो 10 तिया 30 पे जाएगा तो 3 आंसर होगा। वहीं अगर डिवाइड कर रहे हो 10 को और 30 को तो 10 तिया 30 शेष कितना बचा 0 बचा। मान लीजिए 11 बटे 5 कर रहे हो तो 5 दूनी 10, डिवाइड कर रहे हो तो 5 दूनी 10 शेष कितना बचा 1 बच गया, तो 1 आंसर होगा। ये है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। जब पाइथन लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आएंगे तो आपसे वो क्वेश्चन डिवीजन और मोडुला से ही पूछ सकता है क्योंकि कंफ्यूजिंग यही होते हैं। तो डिवीजन में क्या करना है आपको, शेष जो बचेगा वो लेना है, परसेंटाइल का जब साइन आएगा तो क्या करना है, कितने पे गया क्वेश्चन जो आता है आपका कि इतने पे गया 4 पंजे 20 तो 5 पे गया तो 5 आंसर आपको लेना है। ये तो बात थी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। ठीक है चलिए, इसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर हैं और जो भी ऑपरेटर्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। एग्ज़ाम आपका आने वाला है और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा हम अपना सिलेबस थोड़ा फास्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और पाइथन लैंग्वेज बस खत्म ही होने वाली है, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। ऑपरेटर्स के बाद पाइथन लैंग्वेज में बस दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, डेटा टाइप्स इंपॉर्टेंट थे, ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट हैं, ऑपरेटर्स आज अर्थमेटिक बताए हैं, बाकी जो ऑपरेटर्स बचेंगे वो आने वाले लेक्चर्स में हम कर लेंगे, दो तीन तरह के और बचते हैं। इन्हीं से HSSC इन्हीं से क्वेश्चन पूछती है। वैसे तो पाइथन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बहुत बड़ी है लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं डेटा टाइप से आते हैं, और सी लैंग्वेज में जो क्वेश्चन आते हैं वो वेरिएबल से पूछ लेता है और उसके जो डेटा टाइप्स हैं उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, प्रीवियस ईयर कर लेंगे, नए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो दोनों लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएंगे आपकी थोड़े से दिन में, 10-15 दिन में खत्म हो जाएंगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।